ये हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के शासक। ये सिर्फ 36 साल के हैं, पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना इनके इशारों पे काम करती है। इनके पास परमाणु हथियार हैं और इनके परिवार ने अपने लोगों पर लगभग 70 सालों तक हिंसा और आतंक के दम पे राज किया है। पर किम वो इंसान है जो दो दुनियाओं के बीच बटा हुआ है। एक तरफ इनके क्रूर साम्यवादी अतीत की परंपराएं हैं, तो दूसरी तरफ एक अच्छा आधुनिक लीडर बनने की जरूरत। ये है उनकी दुविधा कि क्या मैं एक साफ छवि वाला नर्म दिल तानाशाह बन पाऊंगा, या फिर मैं इस दमनकारी हुकूमत को जारी रखूंगा जो मुझे मेरे दादा और मेरे पिता से विरासत में मिली है। और यही वो दुविधा है जो किम वंश के अंत का कारण बन सकती है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया पर राज करने वाले सिर्फ तीसरे इंसान हैं। ये अपने दादा और अपने पिता की तरह सबसे बड़ा और ताकतवर नेता होने की भूमिका निभा रहे हैं। वो अपने लोगों पर भगवान बनकर राज किया करते हैं। अपने शासन के 10वें साल में किम जोंग उन एक दोराहे पर खड़े हैं। ये वो तानाशाह हैं जिन्हें एक अहम फैसला लेना है। क्या इन्हें नॉर्थ कोरिया को आधुनिक दुनिया से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? उससे इनके देश का सम्मान तो बढ़ेगा, पर उसमें इनकी ताकत कम होने का खतरा है। या इन्हें अपने दादा और पिता की तरह देश को एक तानाशाह बनकर यूं ही चलाते रहना चाहिए? अगर मैं इसकी तुलना एक फिल्म से करूं तो मैं कहूंगा गॉडफादर 3। उसमें माइकल कॉर्लियोनी उन्हें विरासत में मिली माफिया की हुकूमत के साए से निकालकर एक ईमानदार बिजनेसमैन और एक बिजनेस कॉरपोरेशन के हेड बनना चाहते हैं, पर माफिया स्टेट के बिना किम की हुकूमत नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं और पैसा कमाने का एक ही तरीका है, और वो है गैर कानूनी व्यापार। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत कई तरह से एक बहुत बड़ा आपराधिक संगठन है। बंदूकों, ड्रग्स, जाली नोट और साइबर क्राइम से हर साल लगभग 200 करोड़ डॉलर्स की कमाई होती है। वो किम जोंग उन का पिगी बैंक है और किम जोंग उन की हुकूमत उसी के दम पर कायम है। पर हाल ही में किम ने आधुनिकीकरण के संकेत दिए हैं। वो अपनी फर्स्ट लेडी के साथ नजर आने लगे हैं और दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। पर 2017 में इन्हें एक बार फिर अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलना पड़ा। ये उनके बड़े सौतेले भाई किम जोंग नाम हैं, जिन्हें उत्तराधिकारी चुनते वक्त नजरअंदाज किया गया था। ये शांति से जीने के लिए नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना चले गए थे, पर
पर समय समय पर कैमरे के सामने आकर हुकूमत के खिलाफ बोलते रहते थे और फिर एक दिन किम जोंग नाम ने अपनी हद पार कर दी। अपनी रिपोर्टिंग के दौरान मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ अच्छे संबंध रखने वाले एक शख्स ने बताया कि असल में किम जोंग नाम CIA के मुखबिर हैं और उनको किम जोंग उनके बारे में सारी जानकारियां देते रहते हैं। इन CCTV इमेजेस में किम जोंग नाम अपने संदिग्ध हैंडलर से मिल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज के भूखे मीडिया ने उनकी हर चाल पर नजर रखनी शुरू कर दी। उनके अब भी हुकूमत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो CIA के लिए किम जोंग नाम को अपना मुखबिर बनाना ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके बहुत ही फायदे का सौदा था। और किम जोंग उन के लिए ये हरकत एक बहुत बड़ा विश्वासघात थी। लगता है किम के लिए अपने बड़े भाई से निपटने का समय आ गया है। February 13, 2017 क्वालालंपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। किम जोंग उन के भाई टर्मिनल में दाखिल होते हैं। वो इस बात से अनजान हैं कि वहां दो महिलाएं मौजूद हैं जो उनका कत्ल करने वाली हैं। अब टेलीविजन पर पहली बार उनमें से एक कातिल आपको वो हैरान करने वाली कहानी सुनाने वाली है। तुम ठीक हो? ये कहानी उस आदमी से शुरू होती है जो इस महिला से एक टीवी प्रोड्यूसर बनकर मिलता है। जब मैं जेम्स से पहली बार मिली तो वो मुझे एक बहुत अच्छा और मजाकिया इंसान लगा। उसने मुझसे पूछा कि तुम एक फिल्म शूट में काम करोगी। मैंने कहा किस तरह की फिल्म है? उसने कहा कि ये एक तरह का कॉमेडी शो है जिसमें लोगों पर प्रैंक करने होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, क्यों ना किया जाए। किम जोंग उन के एजेंट्स कई महीनों तक सिटी और एक दूसरी महिला को तैयार करते रहे। उन्हें जनता के बीच जाकर अचानक किसी के भी चेहरे पर कॉस्मेटिक क्रीम्स लगाने को कहा गया। उन्हें लगा कि वो कुछ प्रैंक्स हैं जिन्हें खुफिया कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने उस तरह के बहुत सारे प्रैंक किए। हम कभी बॉडी लोशन तो कभी बेबी ऑयल इस्तेमाल करती थी। वो दिन भी और दिनों जैसा ही था। सिटी का हैंडलर हवाई अड्डे के कैफे में एक मीटिंग अरेंज करता है जहां उसे टारगेट की जानकारी दी जानी है। एयरपोर्ट पर बहुत चहल पहल थी, काफी सारे लोग मौजूद थे। उसने कहा कि अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगी तो उसका बॉस हमें एक बोनस देगा। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा देखो वो रहा। मैंने कहा कौन सा वाला? उसने कहा वो आदमी जिसने ग्रे जैकेट पहना है वही है जिसके साथ तुम्हें प्रैंक करना है। फिर उसने मेरे हाथ पर ऑयल डाला। इस बार वो बेबी ऑयल नहीं है,
बल्कि एक खतरनाक नर्व एजेंट है। जिस वक्त किम जोंग उन के भाई अपनी फ्लाइट लेने जा रहे हैं, वो दो महिलाएं अपना काम कर देती हैं। वो अचानक ही बहुत गुस्से में आ गए। मैं डर गई और वहां से भाग गई। दर्द से परेशान किम जोंग नाम हवाई अड्डे की मेडिकल फैसिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट पर किम जोंग नाम मेडिकल सेंटर में है और दरवाजे के पीछे है, और ये इमेज बहुत ही डरावनी है। इसमें काले कपड़ों में एक आदमी दिख रहा है जो दरवाजे के पास है, और उसके पास एक रोलिंग सूटकेस है। वो ये चेक करना चाह रहा है कि किम जोंग नाम का इलाज ठीक से हो रहा है। वो ऑपरेटिव्स में से एक है। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इसमें बहुत लोग शामिल थे। इस ऑपरेशन में अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग लोग थे। नजर रखने के लिए लोग, नर्व एजेंट से निपटने के लिए एक केमिस्ट, भागने के लिए एक ड्राइवर और एक टीम लीडर जिसका कोड नेम है ग्रैंडपा। इन महिलाओं को पता भी नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। जल्द ही मलेशिया की स्थानीय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने पूछा मैं एयरपोर्ट पर क्या कर रही थी, किससे मिलने आई थी। मैंने कहा आप ये क्यों पूछ रहे हैं। वो ऑफिसर खड़े हो गए और उन्होंने कहा तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। तुम एक प्रेसिडेंट के भाई के कत्ल में शामिल हो। उस मुकदमे से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उस पर बहुत संगीन आरोप लगा था, उस पर हत्या का आरोप लगा था। हत्या के लिए सिर्फ एक ही सजा होती है और वो है मौत यानी फांसी। गैंग के केमिस्ट को भी पकड़ लिया गया। वो नॉर्थ कोरियन एम्बेसी के अधिकारियों को अपना पक्ष बताते हुए कैमरा में कैद हो गया। शायद उन्हें पता है कि मैं एक केमिकल एक्सपर्ट हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ सही सुना आपने, ये सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पर तुमने अच्छा काम किया। हाँ बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारे साथियों को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तो हमारे पास एक कहानी है ना। ठीक है ठीक है। इस वीडियो से ये साबित करने में मदद मिली कि वो एक राजनैतिक हत्या थी। दोनों महिलाओं को 2 साल जेल में बिताने के बाद छोड़ दिया गया। इन सब से पहले मुझे किम जोंग उन के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा नाम एक कत्ल के मामले में आएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। किम जोंग उन के दिक्कतें पैदा करने वाले भाई अब दुनिया में नहीं थे। किम जोंग उन के सौतेले भाई की मौत बहुत ही बुरे और शर्मनाक तरीके से हुई थी, और वो भी कैमरा के सामने। और शायद किम को बहुत खुशी हुई कि वो ये सब अपनी आंखों से देख पाए। दुनिया भर में दिखाए जा रहे गंभीर दृश्यों के बीच किम जोंग नाम के पार्थिव शरीर को नॉर्थ कोरिया वापस लाया गया। उनके साथ उन्हीं लोगों को देखा गया जो कत्ल के दिन हवाई अड्डे पर मौजूद थे। वो सब सरेआम करने के पीछे एक मकसद था। वो नॉर्थ कोरिया और बाकी की दुनिया को बताना चाहते थे कि किम तुम्हें ढूंढ लेगा।
किम जोंग उन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो कैसी दुनिया में बड़े हुए। नॉर्थ कोरिया की जमीन के नीचे किम जोंग उन अपने देश को नए प्रकार के नेतृत्व से बदल रहे हैं। उसमें नॉर्थ कोरियन स्टाइल के फोटो ऑप्स शामिल हैं। बहुतों का मानना है कि इन पर अब भी किशोरावस्था के उन दिनों का असर है जो इन्होंने स्विट्जरलैंड में बिताए थे। अपनी मटर्नल आंट और अंकल के साथ एक नकली नाम से रहते हुए किम जोंग उन ने बर्न में एक रेगुलर पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। मेरा नाम निकोला क्वेचविच है और मैं किम जोंग उन को स्विट्जरलैंड में अपने स्कूल के दिनों से जानता हूं। तो ये उस जमाने की तस्वीर है जब हम साथ में पढ़ा करते थे। वो बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल की एक टिपिकल स्पोर्ट्स आउटफिट पहनता था। वो शिकागो बुल शर्ट्स, शॉर्ट्स और माइकल जॉर्डन शूज बहुत पहनता था। हम उससे बहुत इंप्रेस होते थे। हम बास्केटबॉल खेल रहे थे और किम खेलने के लिए कुछ लोगों को ढूंढ रहा था। मैं बास्केटबॉल कोर्ट में उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट को कभी नहीं भूलूंगा। हम कई कई घंटे साथ में खेलते थे। उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था। साफ पता चलता था कि वो सिर्फ जीतना चाहता था। अच्छा खेलता था, बहुत तेज था। वो बिल्कुल अलग लेवल पर था। हालांकि आज की तस्वीरें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। हम चाहते थे कि वो हमारी टीम के लिए खेले। हम नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत दिलचस्प बातें करते थे। एक बार मैंने उससे पूछा था कि वहां पर सब कुछ कैसा है, सब कुछ कैसे चलता है। और मुझे याद है उसने कहा था कि नॉर्थ कोरिया बहुत बहुत ही ज्यादा एडवांस है। भविष्य में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। साफ पता चलता था कि उसे अपने देश पर नाज था। उन्होंने यूरोप में वो जिंदगी जी जो एक रईस घर का लड़का जीता है। उन्होंने पेरिस में एनबीए गेम्स देखी, वो स्कीइंग के लिए स्विस एल्प्स गए। पर नॉर्थ कोरिया में परिवार में कुछ बदलाव आ रहे हैं। किम जोंग उन की मां कैंसर से मर रही हैं, जिसका मतलब यह है कि किम की आंट और अंकल का वंश के साथ रिश्ता खत्म होने वाला है। नजरअंदाज किए जाने के डर से वो कुछ करने का फैसला करते हैं। किम की आंट और अंकल रात के अंधेरे में घर से निकल जाते हैं। वो यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं और राजनैतिक शरण की मांग करते हैं। वहां से उन्हें जर्मनी के एक मिलिट्री बेस में भेज दिया जाता है। किम जोंग उन घर पर थे, उन्होंने गुड बाय तक नहीं कहा। वो उन्हें आधी रात में छोड़कर चले गए। इससे किम जोंग उन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा कि उन्हें इस तरह से छोड़ दिया गया। वो बिल्कुल अकेले रह गए। CIA से मीटिंग के बाद किम की आंट और अंकल को नई पहचान दी गई। वो फ्लाइट से US पहुंचे और फिर कहीं गायब हो गए।
पिछले 20 सालों से वो दोनों मिडिल अमेरिका के किसी हिस्से में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं और ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, तो उनकी असलियत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पर पत्रकार एना फाइफील्ड ने उनको ढूंढा और उनसे मिलने का फैसला किया। मुझे नहीं लगा था कि वो आएंगे, और यहाँ तक कि उस दिन भी जब उन्होंने फोन किया और कहा कि वो आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि वो सच में मिलने आ गए। और जब किम जोंग उनकी आंट कैफे में आई, मुझे जोर का झटका लगा, क्योंकि वो हूबहू अपनी बहन जैसी दिखती थी, किम जोंग उनकी माँ जैसी। मैंने अपना पूरा वीकेंड उनके साथ बिताया, किम जोंग उनके बारे में बात की, पूछा कि वो बचपन में कैसे थे, और उन्होंने कहा कि वो एक नॉर्मल बच्चे ही थे जिसे कभी किसी ने ठीक से समझा नहीं। अजीब बात यह है कि जब हम काउच पर बैठे किम के बारे में बात कर रहे थे, तब वो नॉर्थ कोरिया में मिसाइल लॉन्च कर रहे थे। उस प्रोजेक्टाइल को एक 2000 टन सबमरीन से फायर किया गया था, और साउथ कोरिया के सैनिक अधिकारियों के अनुसार मिसाइल का रॉकेट बूस्टर इग्नाइट हुआ था। वहाँ किम जोंग उन एक सबमरीन में से मिसाइल देख रहे हैं, और उनके अंकल ने कहा वो कभी उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते। किम जोंग उन यूरोप में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं। 17 साल की उम्र में उन्हें नॉर्थ कोरिया बुला लिया जाता है। एक दशक बाद किम दुनिया की सबसे ज्यादा दमनकारी तानाशाही के सबसे बड़े नेता बन चुके होंगे। वो वेस्ट में रह चुके थे, आजादी को करीब से देख चुके थे, तो जब उन्होंने सत्ता को संभाला, तब लोगों को लगा कि वो समाज में बदलाव लाएंगे। बल्कि अपने कार्यकाल की शुरुआत में वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी जनता से कहा कि अब उनकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। तो अगर उन्हें कई दशकों तक सत्ता संभालनी है, तो सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी जो उनके पिता करते थे, उन्हें कैसे भी नॉर्थ कोरिया में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना होगा। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के वो अकेले शासक हैं जो पश्चिम में रह चुके हैं, और स्विट्जरलैंड में बिताए समय ने इस सर्वोच्च नेता पर अपनी छाप छोड़ी है। किम जोंग उन के शासन के शुरुआती सालों में मुझे लगा कि वो अपने देश को दुनिया से जोड़ना चाहते हैं, अपने लोगों को और खुला माहौल देना चाहते हैं। 2012 में किम ने अपनी राजधानी प्योंगयांग के पास एक स्की रिजॉर्ट बनाने का आदेश दिया। उसके बाद तमाम सुविधाओं से लैस कई एल्पाइन सेंटर्स बनवाए गए। मैं यहाँ आने वाले पहले विदेशियों में से थी। ये था स्विट्जरलैंड में नॉर्थ कोरिया का एक छोटा सा टुकड़ा। मैं समझ रही थी कि किम जोंग उन के दिमाग में क्या चल रहा है, और उस वक्त ऐसी उम्मीदें की जा रही थीं कि अब तो बस नॉर्थ कोरिया की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। किम नॉर्थ कोरिया के उज्जवल आर्थिक भविष्य के नाम पर अपने नागरिकों के लिए थीम पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स बनवाते हैं। धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया में विकास होने लगा, तो हमने देखा कि जगह जगह अम्यूजमेंट पार्क्स, हाई एंड रेस्टोरेंट्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स बन रहे हैं। ये सब चीजें भी किम ब्रांड का एक हिस्सा थी। उनका मकसद लोगों को ये दिखाना था कि किम देश को आगे ले जाएंगे। अपने साम्राज्य को रीब्रांड करने की कोशिश में किम के साथ कोई और भी है, इनकी सेलिब्रिटी पत्नी री सोलजू। नॉर्थ कोरिया में एक मशहूर सिंगर थीं। वो सभी नॉर्थ कोरियन लोग जो उस वक्त टीवी देखा करते थे, वो उनको बहुत अच्छे से पहचानते थे।
2018 में किम अपनी पत्नी के ऑफिशियल टाइटल को कॉमरेड से बदलकर फर्स्ट लेडी कर देते हैं। उनकी भूमिका बहुत अहम है। वो नॉर्थ कोरिया की केट मिडिलटन जैसी है। वो अपने पति का मानवीय चेहरा पेश करती हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक आधुनिक और आदर्श जोड़े के तौर पर देखा जाए। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो नॉर्थ कोरिया के भविष्य का प्रतीक है। लेकिन नॉर्थ कोरिया को भविष्य में ले जाने के रास्ते में किम के सामने एक और चुनौती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया से प्रभावित इस डिजिटल युग में किम पर इस बात का दबाव है कि इस दौड़ में इनके लोग कहीं पीछे ना छूट जाएं। अगर उन्हें कई दशकों तक राज करना है तो उन्हें जनता का दिल जीतना होगा। वो अपनी पीढ़ी को खुश करना चाहते हैं, तो उन्होंने इंटरनेट एक्सेस के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए। सेलफोन की पहुंच को और ज्यादा फैलाया। नॉर्थ कोरिया जैसे देश के लिए ये बहुत बड़े बदलाव थे। हाल ही में किम एक कदम और आगे गए हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के अपने सोशल मीडिया स्टार्स को ऑथराइज कर दिया है। अरे वाह, फर्मेंटेड फ्लैटफिश। ये वो जगह है जहां कॉन्सर्ट होने वाला है। यहां थोड़ी देर में यूथ डे मनाया जाएगा। यहां तक कि अब इनके अपने इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। मुझे नहीं पता था यहां युवा लोगों के लिए इतने गाने हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सर्ट है ये। वो एक सोशलिस्ट फेरीलैंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कमाल की बात है और ये सब बहुत ही सोच समझ कर किया जा रहा है। हेलो, मेरा नाम सुजिंद्री है। उनका मकसद लोगों को बहका कर देश से प्यार करना सिखाना है। ये बहुत ही अच्छी नीति है। पर दूसरी तरफ जानकारी तक पहुंच किम जोंग उंग जैसे लीडर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि नॉर्थ कोरिया के बाहर जिंदगी कैसी है तो ये भ्रम टूट सकता है और बेशक ये किम जोंग उंग के लिए बहुत बुरा होगा। पचहत्तर सालों से किम के परिवार ने अपना राज ताकत और खौफ के दम पर कायम रखा है, पर अब जब किम जोंग उन खुद को एक दमनकारी तानाशाह की जगह एक मिलनसार नेता के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, इन्हें सत्ता पर अपनी पकड़ को कायम रखने के लिए परिवार के अंदर से किसी का सहारा चाहिए। पर ये किस पर भरोसा कर सकते हैं? साल 2001 के आसपास किम जोंग उन के पिता रशिया जाने के लिए ट्रेन में सवार होते हैं। रशिया के राजदूत उनसे बात करते हुए उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं, किम जोंग इल, आपका पसंदीदा उत्तराधिकारी कौन है? और किम जोंग इल कहते हैं, मेरे सारे बेटे बहुत बेवकूफ हैं। वो मेरी बेटियां हैं जिनके पास राजनीति में आने के लिए जरूरी दिल, दिमाग और सोच है। किम जोंग उन से चार साल बाद 1988 में जन्मी किम यो जोंग का निकनेम है द स्वीट प्रिंसेस। 2011 में अपने पिता की मौत होने तक किम यो जोंग का अस्तित्व नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए भी एक रहस्य था। किम जोंग इल की मौत के बाद जब उनके भाई ने सत्ता की बागडोर संभाली तो किम यो जोंग से ये सवाल पूछा गया कि क्या तुम ये करना चाहती हो? क्या तुम नॉर्थ कोरिया की राजनीति के दाव पेचों का हिस्सा बनना चाहती हो? कुछ में वो बात होती है, कुछ में नहीं होती है। उन्होंने कहा, मुझ में है, और आज वो पूरी दुनिया के सामने है। किम यो जोंग धीरे धीरे तरक्की करती गई।
और अपने भाई की प्रोपेगेंडा चीफ बन गई। 2018 में किम ने अपनी बहन को उनके पहले विदेशी अभियान पर भेजा, वो भी दुश्मन के इलाके में। किम यो जोंग का साउथ कोरिया में आना एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वो किम परिवार की अकेली सदस्य थीं, जो 1953 में कोरियन वॉर के खत्म होने के बाद साउथ में गई थीं। ये सच में बहुत बड़ी बात थी। वहां विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे, जिनको पीस ओलंपिक्स का नाम दिया गया। उनमें नॉर्थ और साउथ कोरिया से आए एथलीट्स ने पहली बार साथ मिलकर मुकाबला किया। वो एक आइस हॉकी गेम थी, जिसमें दो कोरियन टीम्स एक होकर खेल रही थीं, और वो स्टैंड्स में एक वीआईपी सेक्शन में बैठी थीं। मैं वहां गई और उनसे मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला। मुझे लगा उन्हें समझना मुश्किल है। उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हमेशा होती है। उन्होंने बहुत ही कम बात की। उस वक्त साउथ कोरिया में हर किसी की जबान पर उनका नाम था और हर कोई उन्हीं की बात कर रहा था। पर किम की बहन साउथ में सिर्फ अपना चेहरा दिखाने नहीं आई है। सारी दुनिया की नजरें उन पर टिकी हैं और वो साउथ कोरिया के नेतृत्व के साथ शांति वार्ता शुरू कर देती हैं। किम यो जोंग राजनीति से जुड़े इस परिवार का बेहद अहम हिस्सा बनती जा रही हैं। वही हैं जो सारे मीडिया को, प्रेस को और नॉर्थ कोरिया में इंग्लिश में लिखकर आई हर चीज को अप्रूव करती हैं। कागज का हर टुकड़ा, हर ईमेल जो किम जोंग उन तक पहुंचता है, वो ज्यादातर उनकी नजरों से होकर गुजरता है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। द स्वीट प्रिंसेस सिर्फ किम जोंग उन की राइट हैंड वुमन नहीं है, ये इस शतरंज की बेहद ताकतवर और खतरनाक खिलाड़ी बनती जा रही हैं। मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें किम यो जोंग के आदेश पर गोली मारी गई है। ये किम यो जोंग की साइकोलॉजी है, ये किसी शार्क जैसी है। किम यो जोंग की बढ़ती हुई ताकत का एक संकेत ये है कि 2020 में किम जोंग उन ने अपनी बहन को अपने जनरल से भी ऊपर पोलित ब्यूरो के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। ।2020 में किम यो जोंग की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो कभी किम के पीछे रहा करती थीं, वो अब हुकूमत की आवाज बन चुकी हैं। किम की बहन ने हमला किया है और साउथ कोरिया के उन एक्टिविस्ट्स को धमकी दी है जो सीमा पर प्रोपेगेंडा लीफलेट्स गिराते रहते हैं। सब जानते हैं कि इस हादसे के लिए वो जिम्मेदार हैं जो हमारे रिपब्लिक के खिलाफ छपे लीफलेट्स गिराते हैं, और साउथ कोरियन अथॉरिटीज उनके साथ मिली हुई हैं। सिर्फ वही एक इंसान है जो नॉर्थ कोरिया स्टेट मीडिया में अपनी व्यक्तिगत राय रख सकती हैं। यहाँ तक कि लीडर खुद अपनी व्यक्तिगत राय बहुत कम व्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो नॉर्थ कोरिया की हुकूमत में एक अनोखी और अहम भूमिका निभा रही हैं। जून 2020 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बढ़ते तनाव के बीच किम यो जोंग एक संदेश भेजती हैं। उनके आदेश पर उस सरकारी इमारत को उड़ा दिया जाता है जहां दोनों पक्षों के बीच बात हुई थी।
कोरिया के विशेषज्ञों का कहना है कि यह धमाका प्रेसिडेंट की छोटी बहन किम यो जोंग की ताकत को और बढ़ाने के लिए किया गया था। कुछ सालों से स्टेट मीडिया उन्हें सेंट्रल पार्टी कैडर कहकर पुकार रहा है, जो ताकत पर उनकी बढ़ती हुई पकड़ का संकेत है। इस साल उन्होंने अपने भाई की पार्टी के कामकाज और विदेशी संबंधों से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। सूत्रों का कहना है कि अब प्योंगयांग में असली ताकत उन्हीं के हाथ में है। अब वो लगातार यहाँ तक कि अपने असली रैंक और पोजीशन के दायरे से बाहर निकलकर साउथ कोरिया और यूएस को धमकियां देने लगी। आमतौर पर यह काम सिर्फ सुप्रीम लीडर किया करते हैं। इस तरह से उकसाना नॉर्थ कोरिया की पुरानी आदत है। लगता है किम अपनी दुविधा को दूर करने की राह पर हैं कि नियंत्रण खोए बिना देश को आधुनिक कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है एक दोहरी तानाशाही। इनकी बहन पारंपरिक तरीकों से डर, आक्रामकता और अनुशासन से व्यवस्था को कायम रखेंगी, जबकि किम खुद को एक नर्म दिल, नेक दिल और आधुनिक राजनेता के रूप में पेश करेंगे। हमें याद रखना होगा, जब हम किम जोंग उन की बात कर रहे हैं, एक लीडर होने के नाते उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा और सबसे ज्यादा ध्यान नॉर्थ कोरिया की राजनीतिक प्रणाली को दुरुस्त करने पर है, ताकि वो सभी सवालों से ऊपर उठ सके। और उसके लिए उनका किसी व्यक्ति की सजाए मौत पर मोहर लगाना जरूरी नहीं है। किम जोंग उन खुद को उस इंसान के रूप में नहीं दिखाना चाहता है जो दूसरे नेताओं की आलोचना करता है, तो कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरह के तमाम काम किम यो जोंग पे छोड़ दिए हैं। सारे इल्जाम किम यो जोंग के सिर होंगे और किम जोंग उन की एक शांत नेता की छवि बनी रहेगी। पर किम की वंश को बचाने की ये कोशिश अब तक सिर्फ आधा रास्ता तय कर पाई है। नॉर्थ कोरिया को सही मायनों में आधुनिक समाज में बदलने के लिए इन्हें वैश्विक मंच पर कदम रखना होगा और बाहरी दुनिया से 70 दशकों के अलगाव का अंत करना होगा।